हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज के शो के अंदर मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ रेंट ए कार सिमुलेटर 2024। तो ये गेम अभी डेमो के लिए आया हुआ है एंड मैं प्ले करके चेक करने वाला हूँ कि ये गेम कैसा है। तो करता हूँ सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक एंड अभी वेट करो, ये थोड़ा सा अपना गेम स्टार्ट हुआ। ओके, ये गेम का एक बार ग्राफिक चेंज करो, काफ़ी कूल ग्राफिक है। एंड यहाँ पे ये कार चेक करो भाई, क्या भयंकर सी कार है यार, ये कौन सी कार है? बट यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, मैं इससे देखता हूँ, इससे बात करूँगा तो मेरे को शायद नाम आ जाएगा। ऑडी F8 2022 मॉडल है जो कि भयंकर कार है, ऑलमोस्ट जिसका प्राइस माना जाए तो भाई 3.5 लाख डॉलर के आसपास है। तो इतना तो अपना बजट भी नहीं है, तो वो भी मैं फ़िलहाल कट करता हूँ और ये अपना शॉप है एंड शॉप पे चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कार पार्किंग एरिया जहाँ पे हम लोग कार अपनी लगा सकते हैं सेल के लिए। एंड ये अपना कार का शॉप, इसका तो मैंने लिख दिया था कार रेंट शॉप, तो ये अभी आया नहीं, मतलब मैं नाम चेंज नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऐसा भी चीज़ है जो कि गेम फुल वर्जन में आने के बाद हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इसका नाम चेंज करना। और एक मिनट, हेलो, हम लोग पैसा कहाँ है यार अपने पास? आप लोग देख सकते हो साइड में 0 डॉलर आ रहा है, लेवल 1 भी, मतलब लेवल भी 1 है और 0 डॉलर है अपने पास। तो पैसा नहीं है तो मैं कार खरीदूंगा कहाँ से? सबसे पहली बात तो अपने को एक बार PC यूज़ करना है, तो क्योंकि मतलब जो ट्यूटोरियल्स है वो ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करना अपने को, ठीक है? ये PC है जिसके अंदर एक कार का ऑप्शन है, बिल का ऑप्शन है, विल्ड का ऑप्शन है और लाइसेंस का ऑप्शन है। लाइसेंस में काफ़ी सारा लाइसेंस दिया और जो कि मैं बाय कर सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, आई थिंक कार मार्केट का लाइसेंस है, मतलब 2-3 लाइसेंस है जो कि अपने लोग बाय कर सकते हैं। होम का एक ऑप्शन है जो कि फुल वर्जन में अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा फुल वर्जन। और बैंक का प्लेस, बैंक में भी फुल वर्जन में ही अपने को मिलेगा। और यहाँ पर भी तो अपने पास एक भी कार है ही नहीं, तो सबसे पहले मैं बैक करता हूँ यहाँ से। और अपने पास 0 बैलेंस है और ये अपने पास सोफा। और एक मिनट, ये क्या भाई, 25,000 डॉलर, एक मिनट, तो यहाँ पर रखा हुआ है तो मैं एफ प्रेस करूँगा। ओके, फाइनली अपने पास 25,000 डॉलर आ चुका है। और यहाँ पे ये पानी है जो कि मैं पी भी सकता हूँ। ओके, ड्रिंक कर लिया मैंने। और यहाँ पर ये क्या, एक मिनी फ्रिज है जो कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैं इससे खा भी सकता हूँ ना। तो एक बार खा के चेक करता हूँ भाई। ओके, मस्त भाई, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। बट अपने शॉप के अंदर ये कचरे वाले डिब्बा कहाँ से? हेलो, अरे यार, ये किसने लगा डाला पता नहीं, अभी किसने लगाया, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम अपना यही है कि अपने को एक कार बाय करनी है, तो कार तो अपने लोग वो बाय कर ही नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है यार, उतना पैसा ही नहीं अपने पास। तो ये वाला कार थोड़ा ठीक लग रहा है, बट चल के देखता हूँ है कितने का और कितने में हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी 25,000 डॉलर ही है। ये भी ऑडी का ही कार है, B3 2017 मॉडल है। इनका मैडम ने प्राइस रखा 15,000 डॉलर, 15,347 डॉलर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बार्गेनिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन ये लेवल 2 होनी चाहिए, अपने पास एक लेवल है तो बार्गेनिंग कर नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल मैं बाय कर सकता हूँ। और ये जो अपना शॉप है ना, ये कार रेंट के लिए भी है और अपने लोग कार सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार में बैठते हैं। ओके, मैं कार चला भी सकता हूँ ना, तो ये एक मिनट चेक करो भाई, मैं थोड़ा आराम से चला रहा हूँ क्योंकि पता नहीं पहली बार चला रहा हूँ इस गेम के अंदर कार। और कार की स्पीड देखो, ओके, 50+ गई भाई, अच्छी खासी स्पीड पकड़ेगी मेरे को लग रही है। अभी मैं चला के थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ गेम के अंदर, 90+ गया अभी। और हेलो, ओके, 90 के आसपास अभी स्पीड जा रही है अभी। अपने लोग अभी ले के चलते इसको हम शॉप पे, क्योंकि भाई इसको हम तो सेल करना है, नहीं, रेंट पे लगाना पहले, क्योंकि सेल तो हम बाद में करेंगे, अभी रेंट पे लगा के अपने लोग कमा लेंगे कुछ पैसा। और यहाँ से लगा के चल देगा एकदम स्पीड में, और कार की स्पीड तो 90 90+ गई। हेलो, 100, अरे यार पहली डान में ठुक गया, मेरे को कार चलाना ही नहीं आ रहा, 2 बार ही ठुका। और यहाँ पर एक बार ये चेक करो गाइस, क्या भयंकर कार है यार, ये चेक करो। एंड इस ये कार का ऑनर मैडम जो कि मैं टैग इससे करता हूँ, तो इससे बात करता हूँ। तो ये ड्रिफ्ट के लिए कार आती है जो कि प्ले और 24, मतलब ये फुल वर्जन में आएगा भाई, ये अभी हम लोग ले नहीं सकते हैं। मैं ओके करता हूँ क्योंकि ये वाला जो है ड्रिफ्ट के लिए कार आती है जो कि मेरे को फुल वर्जन में मिलेगा, इस वर्जन में तो नहीं मिल पाएगा। एंड अभी मैं फिलहाल इस कार को थोड़ा सा रिपेयर वपेयर कराना था ना, तो शॉप ऊपर चल के देखता हूँ। रिपेयर वाले का शॉप यहीं पर है जो कि मतलब आ चुका है अपना, मेरे को तो लगा ये नया फुल वर्जन में आएगा, लेकिन नहीं, ये तो मिल चुका अपने को डेमो वर्जन में कार रिपेयर। अरे यार पहले ही डैमेज हो चुका, बताओ। ओके, कहाँ गया भैया? तो भैया से बात करते हैं हम और ये कार रिपेयर कराते हैं। तो सबसे पहले रिपेयर करने में खर्चा 301 डॉलर का है यार, मैंने कार ठोक डाला खाली पी लिया, अब 301 डॉलर का रिपेयर करा चुका हूँ। और अब इसको चलता हूँ सेल करने। तो सबसे पहले तो आराम से कार को
नीचे लाता हूँ और आराम से लगाऊंगा अभी, क्योंकि अभी कहीं जाना नहीं अपने को। सी कार को रेंट पर देना है तो मैं बेकार में मतलब ही इसको डैमेज को ठीक करवाया। हेलो, मैंने कार से उतर क्यों गया, पहले तो मेरे को कार लगानी है फिर सेल के लिए, और ये रेंट पे लगाऊंगा कार फॉर सेल। और ये दोनों सेम ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसके अंदर रेंट पे भी लगा सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, और कार फॉर रेंट के अंदर सिर्फ अपने लोग रेंट पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अपना कार का ऑप्शन में चलते हैं, और ये आ चुका ऑडी B3 जो कि 18,000 नहीं, 1,835 किलोमीटर चला हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रेंट का ऑप्शन आ रहा है, सेल का ऑप्शन आ रहा है, और डिटेल्स में चलो तो ये कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अपना कार के बारे में बता रहा है, डैमेज नहीं है और अपने को डैमेज डट उट सब चीज़ है इस पर, मतलब क्लीन उन्न कराना चाहिए था अपने। और फ्यूल है 44%, मतलब इसके अंदर पेट्रोल है। अगर मैं रेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो एक दिन का जो इसका रेंट मिलेगा अपने को $600 मिलेगा, एंड अगर मैं सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो $18,000 मिलेगा। आई थिंक $5,000 का अपने को प्रॉफिट हो रहा है, रेंट पे जाऊँगा तो $600 का। तो ट्राई करता हूँ पहली दिन तो मैं रेंट पे ही डाल के, क्योंकि अपने को रेंट से कमाना है। अगर $600 में सेल रहा तो पर डे का $600 आ रहा है ना, तो काफ़ी अच्छी रहेगी ना। तो चलो सही, मैंने रेंट पे डाल दिया, ओके पे क्लिक करो, और यहाँ से मैं बैक करता हूँ और वेट करता हूँ क्लाइंट के आने का। और क्लाइंट कब तक आएगा पता नहीं, और अपने लोग को वेट करना है। तो वेट करने से याद आया कि अपना एक इस गेम के अंदर शॉप भी है, तो मैंने अभी कार को रेंट पे लगा दिया है, और अभी यहाँ पर हम इसको चला सकते हैं ना आप लोग। जब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से पार्क कर देता, मेरे को लग रहा पार्क नहीं हुआ ना, इसके वजह से कोई क्लाइंट नहीं आ रहा था। एक मिनट, क्लाइंट आ रहा आ रहा आ रहा, बात करना होगा इससे, ये देख कितनी रहा अपने को पर डे का। एंड हाँ, मैडम से बात करता हूँ, तो ये बोला BMW की ऑडी कार है अपना V3, और वन डे विथ प्राइस $600 ए डे, मतलब वन डे का मिल रहा है क्योंकि ओके ठीक है, मेरे को $600 चाहिए भाई। अभी $600 अपने को मिलेगा नेक्स्ट डे, और अभी तो अभी टाइमिंग कितना हो रहा है अभी भाई, 18:59, मतलब 60 नाइट हो ही चुका है। तो अपने लोग चलते अपने घर पे, जो कि है इस गेम के अंदर मतलब फुल वाले वर्जन में तो और अच्छी घर आ जाएगी, मतलब और भी अपने लोग बाय कर सकते हैं यहाँ से, अपने लोग और भी जगह जा सकते हैं घूमने के लिए। जैसे कि मैं ऐप से ट्रैवल भी चल के दिखाता हूँ कि यहाँ कार ऑफिस, होम और गैस स्टेशन, कार मार्केट टू, और ड्रेसिंग के लिए भी आया हुआ है ना, तो वो लोग हम जाएंगे बट बाद में जाएंगे, पहले तो अभी शॉप से घर पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे अपन लोग सोएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि भाई ये अपना घर में टीवी भी है यार, यूज करके देख सकता हूँ। ओके, ये कुछ है नहीं यार, बस एक कार का ही फोटो दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग अभी सोते हैं फिलहाल के लिए, और अपना आज का जो प्रॉफिट है कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट $900 दिखा रहा है, मतलब वो मेरे को मिला था ना $25,000 उसकी वजह से दिखा रहा है। एंड अभी चल के आता हूँ, और फाइनली आज का मौसम चेक करो, बगल में ही कार मार्केट है क्या, मेरे को तो लग रहा है यार कार मार्केट है इधर बगल में। ओके, ऊपर ब्रिज चेक करो यार, ब्रिज तो काफ़ी खतरनाक है, हम लोग जाकर चेक करेंगे कि ब्रिज है कैसा आखिर। और ये है कार मार्केट, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, हेलो कार मार्केट में कुछ है ही नहीं। और एक कस्टमर रिफंड टू योर कार, मतलब मेरा कार रिफंड में आ चुका है जो कि मैंने अभी रेंट पे लगाया था। एंड चेक करता हूँ जाके कि वो मेरे को $600 दे रहा है कि नहीं, क्योंकि $600 हमने कमाना है उससे, तो $600 आएगा फिर लगाऊंगा तो फिर $1,200 आज का। वाह, काफ़ी कमाल की बात है, अपने पास अभी $10,000 तो कंप्लीट हो ही जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा $10,000 कंप्लीट होने में। एंड यहाँ से लेता हूँ $600, ठीक है, और आप दे दो। अरे हाँ, इसके अंदर मैंने को देने के बाद पता आपको 50% तो फ्यूल अप यूज़ कर दिया, डैमेज 1% कर दिया, 2%, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ इसे, डट इसने 12% कर दिया। चलो ठीक है, और पेमेंट लेते अपने लोग। अभी अपने पास $9,952 हो चुका है भाई, मेरे को ये कार लेने का मन कर रहा है यार, ये कार तो काफ़ी महंगा आएगा। बट कार वॉश का ऑप्शन यहाँ पे कैसे आ चुका है, हेलो कार पेंट है ये, पेंट है, सॉरी सॉरी पेंट है, वॉश नहीं है, पेंट है, माई मिस्टेक। ओके, अब इससे बात करता हूँ, ये कौन सी कार है, ये भी ऑडी 8F 2023 मॉडल है, वो तो 20 मॉडल था या 22 था, ये 23 मॉडल है, और इसका $3,54,000 है भाई, काफ़ी कॉस्टली है। इसको तो मैं क्लोजी करता हूँ क्योंकि अपने बस की है नहीं अभी। एंड एक क्लाइंट आ चुका फिर से अपने लोग, अभी इसको शॉप पे मतलब रेंट पे दे सकता हूँ कार, एंड आई थिंक ये $600 पे करेगा। फाइनली मैंने फिर से लगा दिया, एंड अभी कोई 10,000 में कार मिल जाए $9,000 तक तो मैं ले लूँगा। एंड इससे बात करता हूँ, हेलो टैग करता हूँ, तो ओके लुक योर लाइक, ठीक है भाई ठीक है, मेरे शॉप पे आ जाना कार लेने के लिए, मिलता है। और यहाँ बात करता हूँ तो ये दे रहा $14,112 में, तो अपने पास तो है ही नहीं, तो मैं क्लोज करता हूँ। और कोई कार है क्या, अरे नैनो कार मिल रहा है यार, ये देखो टाटा नैनो फेमस कार है, तो
तो ये टाटा नैनो मिल रहा है, यहाँ पर मैं टैग करता हूँ इनसे और बात करता हूँ। ये $6,000 में दे रहा है जो कि काफ़ी कॉस्टली है, बट मेरे पास पैसा भी उतना ही है तो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, और ऐप से ड्राइविंग करता हूँ। चलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता मेरे को। ओके चल तो रहा है यार, काफ़ी अच्छा। ओके कार के अंदर बूस्टर लगा हुआ है क्या? स्पीड चेक करता हूँ इतना, भाई ये कितना जाएगा? मुश्किल से मुश्किल 70-100 में जाएगा आसपास। ओ हेलो, नैनो ड्रिफ्ट देख रहे हो आप लोग? हेलो ये क्या? एक मिनट कार को निकालने लगा। चेक करो आप लोग एक बार ड्रिफ्ट, इसका चेक करो भाई, स्पीड तो काफ़ी खतरनाक पकड़ रहा है यार। चेक करो भाई, 80+ 100+ 130+ भाई 100। अरे यार ये गया 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 गया। ओके 113 प्रॉपर स्पीड जो है इसका, सबसे फास्टेस्ट 113 की स्पीड पकड़ती है कार। और ये इसका ड्रिप थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है यार ये चीज़, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, इसको लगाता हूँ भाई सेलिंग के लिए, मतलब रेंट भी लगाता हूँ। और काफ़ी रूप भी इसका खुलता हुआ, ये चेक करो ना, ऊपर सनरूफ का भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं पहले सबसे पहले तो इसको रेंट पे लगाता हूँ क्योंकि अपने पास अभी पैसा है नहीं, और ये कार वाले ऑप्शन में चलता हूँ। और मैंने एक ऑलरेडी लगा कर रखा है ऑडी, और ये मैं लगाता हूँ इसको रेंट पे। तो इसका $300 ही मिलेगा, बट फ़ायदा नहीं है अगर मैं सील करता हूँ तो। ये मैंने कितने में सील कर सकता हूँ? $7,500 में। मैंने $6,300 में बाय करके ही लाया था, तो मैं $8,000 ट्राई कर सकता हूँ क्या? आई थिंक 8,000, हाँ मैं $8,000 में सील कर सकता हूँ आई थिंक, ट्राई करता हूँ। ठीक है कार सेल पर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्लाइंट कोई आ रहा है क्या? ओके क्लाइंट भी आ चुका। बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं है अपने पास, एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो जो भी मिलेगा मेरे को सील कर देनी है। $6,500 भाई, कहाँ से सील करूँगा यार? मैं इसको रेंट पे लगा रहा हूँ यार, रेंट तो मैं नहीं सील करने वाला, मैं इसको रेंट पे डालूंगा। ओके मैं चलता हूँ इसमें, और ये कार और रेंट वाले ऑप्शन में चलता हूँ। 300, हाँ $300 में मैं रेंट पे लगाऊंगा इसको। ठीक है रेंट पे चलता हूँ, बिल वाले ऑप्शन में चले के देखता हूँ, कोई भी बिल नहीं आया अपना। और यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है जो कि मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, मतलब अपने शॉप को अपग्रेड खुद से ही कर सकता हूँ, तो वो अभी ऑप्शन आएगा। ठीक है वेट करता हूँ, क्योंकि अभी नया ऑप्शन में मतलब फुल वर्जन में अपने लोग को ये ऑप्शन मिलने वाला है, तो रेंट पे लगाने के लिए कल मैं वेट करता हूँ क्लाइंट की आने के। ओके फाइनली एक क्लाइंट आ चुका है इधर, और मैं इससे बात करता हूँ। और ये अपना वन डे को $300 दे रहा फाइनली। तो अभी मैंने कार को रेंट पे लगा दिया, अभी मैं चलता हूँ फिलहाल अपने शॉप पे, मतलब घर पे चलता हूँ, अभी सो जाता हूँ क्योंकि अभी अपने पास कार है नहीं। और जैसे मैं सो के उठूंगा ना तो अपना दोनों का दोनों कार आ जाएगा, फिर अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। एंड मैं सिटी एक्सप्लोर भी करूँगा, तो पहले तो नेक्स्ट डे मैं कोई भी कार रेंट पर नहीं डालूंगा क्योंकि मैं पहले तो सोता हूँ। और अपना आज का लॉस जो है ना $5,700 है, कोई ना $5,700 लॉस गया है। एंड अभी मौसम अभी सुबह, ओके लाइटिंग आपने चेक किया एकदम, तो खतरनाक वाला सीन। और आज कार मार्केट भी ओपन है, तो अपने लोग अभी जल्दी से दोनों कार को हम सेल करेंगे। एंड ओके मेरा कार क्यों नहीं है अभी तक? हेलो क्या ये मेरा कार चोरी तो नहीं हो गया? ओके एक कार आ चुका है फाइनली, एक क्लाइंट लेके मैं इनसे बात करता हूँ टैक। और यार देखो इसने 30% का फ्यूल अप यूज कर लिया, 18% डट, तो कोई दिक्कत नहीं, $300 मिल गई अपने को। दूसरी कार कहाँ गया? हेलो और कार में चलता हूँ, और वो रेंट फॉर वन डे के लिए लगा हुआ था ना, तो वो तो वन डे में आ जानी चाहिए थी ना, तो लेके क्लाइंट आया नहीं क्योंकि अभी दिक्कत है यार ये। तो मैं चल के आता हूँ एक बारी कार मार्केट, और देखता हूँ वहाँ पर कोई ढंग की कार मिलती है कि नहीं। ढंग की कार क्या मिलेगी? ओके रेंट पे आ चुका, ये भी कार लगा ही देता हूँ रेंट पे, $300। चलो ठीक है $300 फिर से अपने को मिलेगा। एंड अभी मैं चलता हूँ कार मार्केट और चेक करूँगा कोई ढंग की कार है कि नहीं वहाँ पे, ढंग की कार का ट्यूटोरियल सीरियल कंप्लीट। चलो ठीक है मैं चलता हूँ पहले कार मार्केट, तो यहाँ से कार मार्केट ये है। ओके फाइनली ये बगल में ही कार मार्केट है। एंड ओके मेरा रेंट वाला कार आ चुका है, तो मैं यहाँ से ये चेक करता हूँ, $13,000 का है, तो वो तो काफ़ी महंगा ही है, तो मैं तो $13,000 है नहीं मेरे पास, ओनली $4,000 भी नहीं भाई, $3,000 है। तो ट्यूटोरियल्स मैं कंप्लीट करूँगा, पहले ये देखता हूँ कार कितने की है, $61,000। हेलो ओके मेरे को वो जाना पड़ेगा फुल डे वाली डिलीवरी और एक्सिस फुल का। ओके मैं चलता हूँ यहाँ से पहले तो अपनी शॉप पे, तो शॉप यहाँ पे ऑफिस है और ऑफिस सामने ही अपना था। हाँ तो वो कार एक बंदे को मैंने दिया था जो कि अभी पेमेंट देने आया,
और फाइनली इससे पेमेंट। भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं कार को सेल करूँगा ठीक है, रेंट से हटा के अभी मैं सेल करता हूँ इसको, क्योंकि भाई अपना कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ये मैंने लगाया था ना, ये वाली कार थी, जिसको मैं सेल पे करता हूँ क्लिप। हेलो, हाँ सेल पे करूँगा क्लिप। नहीं ये वाली कार तो हो ही नहीं रही है, तो दूसरी वाली कार में चलता हूँ। इसको सेल कर सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पर क्लाइंट वेट कर रहा है ना, तो मैं सील नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छा इसको क्लोज करता हूँ सबसे पहले। हाँ क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास पैसा है नहीं। अपने लोग कार मार्केट से कार खरीद के लाएंगे, तो इसको पहले सील करेंगे हम लोग। तो ये कार में चलेंगे और ये कार है अपनी, इसको सील करेंगे। और ये $20,000 रख देता हूँ। $20,000 में अगर सील हो गया तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, नहीं तो कोई ना, हम लोग सेल करेंगे तब में ही थोड़ा सेल कर देंगे ठीक है। और वो मैडम आ अभी रेंट के लिए नहीं आया। हेलो, आई थिंक मैं रेंट पे नहीं दूंगा, मैं सेल करूंगा इसको ठीक है। अगर आपको सेल में बाई करना है तो बताओ, मैं बाई करने के लिए बेचने के लिए रखा हूँ ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा क्लाइंट के आने की। तो फाइनली एक क्लाइंट आ चुका है, जो कि मेरे को ये कार लेने वाला लग रहा है। आई थिंक ये $16,000 दे रहा है यार। 3 लेवल पर मैं बार्गेनिंग कर सकता हूँ, इस पर 2 लेवल पर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आई थिंक मैंने इसको बाय करके लाया था $15,300 में, और जो कि मैंने 2 दिन इससे मतलब ये भी कमाए, तो अच्छी खासी डील मिल गई है। आई थिंक मैं सेल नहीं करता हूँ, एक बार और क्लाइंट पर आने की वेट करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट लगा नहीं। एक दो क्लाइंट और आ जाए। ओके एक क्लाइंट और आ चुका, आ कहाँ चुका है ना, वेटिंग में लिख रहा है लेकिन आया नहीं है। ओके फाइनली यहाँ पर आ चुका, पीछे था मेरे को, मैंने दिखा नहीं। एंड ये कितना दे रहा है, 17,000, 16,725 जो, आई थिंक सेल कर देते हैं ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं कार मार्केट, कार मार्केट से एक ढंग की कार बाय करेंगे, क्योंकि मेरे को कार मार्केट का एक कार बाय करके चेक करना है भाई कि कैसा फील आता है। आई थिंक कार मार्केट चलता हूँ, और $10 तो कार मार्केट आने में ही अपना खर्चा हो जाता है। तो आई थिंक ये कार कितनी गाड़ी होगी, मेरे पास $21,000 अगर मिल जाए तो $53,000 भाई अपने लेवल की बाहर की है। तो ये मैं चलता हूँ इधर। और ये वाला कितने का है, ये वाला थोड़ा कम का लग रहा है, लेकिन नहीं $61,000 की है। तो भाई मैं देता हूँ, यही बाइक करके चलता हूँ अभी। तो फाइनली मैंने ये कार को परचेज कर लिया, एंड बैठता हूँ और लेके चलता हूँ। तो फाइनली मैंने ये वाली कार बाई की थी, जो कि अभी स्पीड इसका चेक करो तो अच्छा खासी पकड़ लेती है। आई थिंक इसकी स्पीड की बात करो तो आराम से 700 का स्पीड तो आराम से ही पकड़ती कार। एंड ये वाली मैंने पोल पे ले गया था, क्योंकि वहाँ से मैंने पोल देखा था ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था ना, तो इसलिए मैं पोल पे ले जा चुका हूँ और इसका स्पीड चेक कर रहा था बस जस्ट यूँ ही। और स्पीड इसकी जा कितनी रही, 100 तो जानी चाहिए आराम से, क्योंकि वो भाई नैनो पकड़ रही थी। 100 की स्पीड जा रही है, 100+ जा रही है, और 100+ जा रही है। ड्रिप तो काफ़ी अच्छी खासी लगेगी। तो फिलहाल मैं लेके चलता हूँ इसको अपनी शॉप पे, एंड क्योंकि इसको सेल करनी है भाई। तो अब देखता हूँ यहाँ से टॉप स्पीड पकड़ पाएगा कि नहीं। हाँ अच्छी खासी 110 तो जा रही है। और यहाँ से अपनी शॉप पे चलता हूँ, अगर ठुकी तो, लेकिन इसमें कुछ डेंट उंट नहीं आया, तो अपने शॉप बगल में ही होगा, यहीं पर चलता हूँ। पहले तो मैं गाड़ी को लेके घर पे चलता हूँ, क्योंकि घर पे ही अभी रुकूँगा, फिर वहीं से चलेंगे हम लोग शॉप पे। एंड ये अपने बगल में ही आ रहा है भाई। हेलो ये क्या हो रहा है, हेलो हेलो। हाँ बस यहीं पे लगाता हूँ और अभी लेके चलता हूँ इसको शॉप पे। अबे घर पे चलो। हाँ अभी लेके चलता हूँ घर में और सोता हूँ फिलहाल। तो फाइनली सो के उठ चुका हूँ, एंड अभी नेक्स्ट डे आने वाला, और ये अपने कार के अंदर आ चुका हूँ और सुबह हो चुकी है। और अभी लेके चलता हूँ इसको घर पे शॉप पे लगाने के लिए। और अपने एक नई कार दे के रखा था रेंट पे, आई थिंक वो आज आने वाली है, वो कार आ भी चुकी होगी। हाँ जी अपना कार यहीं पे लगाता हूँ पार्किंग में ठीक है, आ चुका। एंड वो पेमेंट लेता हूँ उनसे, एंड ये आ चुका पेमेंट और $300 ठीक है, मिल चुका। तो फाइनली आज का एपिसोड मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट के अंदर बताना, एंड पसंद है तो एक प्यारा सा लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस चैनल पर जितने भी पीसी से रिलेटिव गेम खेलूंगा, जितने भी आएगा सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाए।